हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर लोकेश दवे आपको फिर से आपके फेवरेट होम्योपैथिक चैनल में वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 9th रीजन की, पर ये क्यों लिखे 50 रीजंस डॉक्टर बर्नेट ने। तो डॉक्टर बर्नेट के एक मित्र थे जो एलोपैथ थे, टॉन्ट मारते रहते थे कि क्या है, कुछ नहीं है होम्योपैथी। तो डॉक्टर बर्नेट ने उसी के जवाब में ये 50 रीजंस लिखे थे कि क्यों होम्योपैथी अडॉप्ट की मैंने बजाय के रेगुलर के। तो वो हर पत्र जब लिखते थे अपने दोस्त को तो उनको एज अ रेगुलर बोल के और एक चिढ़ाते थे। तो वो उन्होंने ऑब्जेक्ट किया उनके मित्र ने कि यार तुम लैंग्वेज गलत यूज़ कर रहे हो। तो डॉक्टर बर्नेट ने कहा कि नहीं, मैं गलत लैंग्वेज नहीं यूज़ कर रहा हूँ, तुमने इसकी शुरुआत की थी जब तुमने होम्योपैथी को एज अ क्वैक कहा कई जगह कि होम्योपैथी क्वैकरी है। 8th रीजन में जुगलेंस रेजिया की मदद से जो हमने लेफ्ट साइड का जो पेन था उसको ठीक किया था स्प्लिन के ऊपर चेस्ट के नीचे। अब 9th रीजन में वो बताते हैं कि आफ्टर ये जब ये केस ठीक हो गया था लेफ्ट साइड वाला, उसके कुछ ही महीनों बाद एक यंग लेडी आई थी अराउंड 30 ईयर्स। वो कंप्लेंट लेके आई थी राइट साइड चेस्ट के लोअर पोर्शन में, लीवर के ऊपर के एरिया में पेन की कंप्लेंट लेके, जो लगभग 3 महीने से परेशान थी और कांस्टेंट पेन बना हुआ था। और उसके कारण उसको एनीमिक भी हो गई थी और कमज़ोर हो गई थी, बहुत वीकनेस हो गई थी। सो शी वॉज गिवन, और बहुत परेशान थी, काफ़ी कुछ एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी ले चुकी थी उस समय, बट शी वॉज नॉट हैविंग एनी रिलीफ। तो जब डॉक्टर बर्नेट के पास आई तो डॉक्टर बर्नेट ने उन्हें चेरिडोनियम 1 पोटेंसी में दी और सुबह शाम दी पानी में डाल के लेने के लिए, और विद इन अ फोर्टनाइट 15 डेज के अंदर पूरी तरह से उनका पेन चला गया एंड शी वॉज एब्सोल्युटली फाइन। खाने पीने लगी, ऑल द कंप्लेंट्स बहुत इम्प्रूव हो गई। तो डॉक्टर बर्नेट वापस छिड़ाते हुए उन्हें वही बात कर लिखते हैं आखिरी में कि अब मैं बहुत बिजी हूँ और मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तुम्हें इससे ज़्यादा एक्सप्लेन कुछ नहीं करूँगा कि मैंने क्यों लेफ्ट साइड के लिए जुगलेंस दी थी और राइट साइड के लिए चेलिडोनियम दी थी। सो एंडिंग वो बोलते हैं, मैं अपने कारण को एंड करता हूँ, ये मेरे होम्योपैथ होने का नवा कारण है। सो हम लोग थोड़ा सा और इस डिटेल्स में जाते हैं कि चेलिडोनियम क्यों राइट साइड के जो लोअर पोर्शन ऑफ चेस्ट है, लीवर के ऊपर वाला एरिया, वहाँ क्यों डॉक्टर बर्नेट ने दी होगी या क्यों प्रिस्क्राइब की होगी। सो कमिंग टू द पॉइंट इज के सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि चेरिडोनियम जो है वो राइट साइडेड रेमेडी है, लीवर के ऊपर बहुत अच्छा एक्शन है। अगर लीवर कंप्लेंट्स हैं तो हमारी फर्स्ट चॉइस ऑफ मेडिसिन चेलिडोनियम होती है। इसके बाद हम बात करें तो प्रेगनेंसी में अगर चेलिडोनियम अगर कोई भी लीवर कंप्लेंट्स हैं तो चेलिडोनियम को यूज़ करते हैं हम लोग। ये कुछ की नोट्स हैं चेलिडोनियम के मैं जो आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा एक बड़ा टिपिकल और इम्पॉर्टेंट की नोट साइन है चेलिडोनियम का कि चेलिडोनियम के पेशेंट को बहुत ज़्यादा हॉट ड्रिंक पीने की डिज़ायर होती है। लगभग सभी कंप्लेंट्स में उसको हॉट ड्रिंक्स पीने की डिज़ायर होती है। एक की नोट सिम्टम जो चेलिडोनियम का है वो है कि देर इज़ अ शार्प एंड लेंसनेटिंग पेन, तीखा दर्द राइट स्कैपुला के इनर एंगल पे अंदर की ओर अगर दर्द है तो वो भी कीनोट है। इसके अलावा और सारी जो कंप्लेंट्स होती हैं चेलिडोनियम की वो रात को एग्रवेट होती हैं, एग्रवेशन एट नाइट आफ्टर डिनर, खाना खाने के बाद में। अगर निमोनिया है लोअर लोब ऑफ राइट लंग में, अगर निमोनिया है और उसमें भी एक स्पेसिफिक है कि अगर खांसते समय जो एक्सपेक्टोरेंट है वो फ्लाई होके बाहर निकले तो वो चेलिडोनियम को इंडिकेट करता है। सो दिस आर सम 5 पॉइंट्स 6 पॉइंट्स जो की नोट हैं चेलिडोनियम के। फ्रेंड्स, तो हम लोग इसी तरह आगे लगातार मिलते रहेंगे, सुनते रहेंगे, होम्योपैथी सीखते रहेंगे और डॉक्टर बर्नेट के 50 रीजंस पूरे करेंगे। ये नवा रीज़न था, अभी 41 रीजंस और हैं, बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक आप लोग मेरे अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन सी यू सून, टेक केयर। कोरोना टाइम है, बिल्कुल लापरवाही नहीं, अभी अनलॉक हो गया है तो बहुत ज़्यादा रिस्क हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को अपने आप को बचा के रख